हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड एंड डूइंग योर वर्क रेगुलरली। लेट्स डू सेल्फ प्रैक्टिस। फिफ्थ बी हम करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट द फ्लोविंग मोनोमियल्स। मोनोमियल्स आपको पता ही है, जहाँ एक ही टर्म होती है उसको मोनोमियल बोला जाता है। तो मोनोमियल्स को ऐड करना बड़ा इजी है। क्या करते हैं हम, जो न्यूमेरिकल कोफिशियंट होते हैं ना, उनको ऐड कर देते हैं, और जो लिटरल कोफिशियंट होते हैं उनको एज इट इज रख देते हैं। यहाँ पे क्या है, 5a ऐड का साइन है, 9a हमें ऐड करना है ना, तो ऐड का साइन लगा दिया। अभी न्यूमेरिकल कोफिशियंट को ऐड कर देते हैं, 5 और 9 कितना हो गया, 14। और जो लिटरल कोफिशियंट है वो ऐड नहीं होगा, ना ही कुछ उसकी पावर वगैरह बढ़ेगी, वो तो एज इट इज बस हमें रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सभी मोनोमियल है, तो हम इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशियंट क्या है, आपको अच्छे से बताया था ना, अगर किसी लिटरल कोफिशियंट के साथ नंबर नहीं होता तो वहां हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो हम क्या ऐड करेंगे, 7, 3 और 1। यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं। तो 7, 3, 10 और 1 11 आ गया। और ये जो हमारा लिटरल कोफिशियंट है ये 1 ही रखा जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सी करते हैं, ऐड का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे देखो हम ऐड का साइन लगा दे चाहे तो ऐसे करके, फिर हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि दो साइन एक साथ तो नहीं आ सकते। ठीक है, अभी इनको ऐड कर लेते हैं। 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, m टू द पावर 2 n। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऐड और माइनस का साइन में से क्या आता है, फिर हमारा माइनस का साइन, 5 m टू द पावर 2 n। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो पॉजिटिव नंबर हमारा बड़ा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 3 m टू द पावर 2 n। सेकेंड में क्या है, क्वेश्चन सेकेंड में हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कोई भी न्यूमेरिकल कोफिशियंट नहीं है ना, तो हम क्या रख लेते हैं, मैंने आपको बताया था, वो अगर कोई न्यूमेरिकल कोफिशियंट नहीं है तो उस नंबर का नंबर 1 होता है ना, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये तीनों 1 नेगेटिव के हैं, तो ऐड हो जाते हैं, नेगेटिव 3 हमारे पास आता है, और जो लिटरल कोफिशियंट है वो हमें रखना ही है। सेकेंड को में देखो, बी में क्या है, यहाँ बी ए बी सी दुआ है, नेगेटिव ए बी सी दुआ है और ए बी सी दुआ। तो अगर एक नंबर में से एक नंबर हम कट कर देते हैं, मतलब मेरे पास 1 रुपए है और वही 1 रुपए मैंने किसी को दे दिया, तो कितना बचता है, 0 बचता है। सेम यही होगा, ये ए बी सी में से ए बी सी हम घटा देते हैं तो 0 बचा, ऐड कर देते हैं ए बी सी को तो हमारे पास क्या आता है, 0 में 1 ऐड करते हैं तो 1 आता है ना, तो 0 में अगर ये नंबर ऐड करेंगे तो वह यही नंबर आएगा, ए बी सी। सी वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हम न्यूमेरिकल कोफिशियंट को ऐड कर देते हैं, यहाँ तो ऐड का साइन है ना, 12 और 3 कितने हो गए, 15 एक्स वाई। अभी ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन वापस इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 11 एक्स वाई। ई में देखो, ये सभी अलग अलग हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आपको पता था ना, तो लाइक टर्म्स हम एक साथ रखते हैं। लाइक टर्म्स कैसी है, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मैच हो रहा है, तो पहले इस वाले टर्म के साथ हमने क्या रख देना, ये वाली टर्म रख देनी है, और ये वाला टर्म इस टर्म से मैच हो रहा है, तो
अब क्या कर देंगे, इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। नेगेटिव 3 और नेगेटिव 4 मिलके क्या बनाते हैं, नेगेटिव 7। ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसमें से 2 माइनस हो जाता है, तो हमारे पास बचता क्या है, पॉजिटिव 5m। क्वेश्चन थ्री में क्या, अरेंज इन कॉलम वर्टिकल फॉर्म एंड ऐड। ये तो हमने किया था हॉरिजॉन्टल ऐड, अभी हमें क्या करना है, वर्टिकली ऐड करना है। तो पहले इनको हमें अरेंज करना होगा। फर्स्ट वाली टर्म को हमने ऊपर लिख लिया 3a + 7b। अभी नीचे लिखेंगे जो लाइक टर्म है ना, उसको लाइक टर्म के नीचे रखते हैं। जैसे टेन ए है ना इसका, तो ये लाइक टर्म हो गई, ये इसके नीचे आ गया टेन ए, ऐड का साइन, ये बी इसके नीचे आ गया। अभी ऐड हमें इनको करना है, बी का बी आ जाएगा, 7 के साथ क्या ऐड करेंगे हम, बी का न्यूमेरिकल कोफिशियंट नहीं है, क्या है वहां पे 1 है ना, तो 7 और 1 8, ऐड का साइन रखेंगे और 13 हमारे पास आ जाएगा। ये लाइक टर्म्स हम मैंने एक साथ रख दिए, अब इनको ऐड कर देंगे, 15 11x। लाइक टर्म्स को रखेंगे फिर वापस से 2xy नेगेटिव yz 5xy प्लस 7yz। क्या करना है, ऐड करना है। अभी यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना, तो ये 7 में से माइनस होगा और इसका न्यूमेरिकल कोफिशियंट क्या है, 1, तो इसमें से 1 माइनस करना है, 6 आएगा हमारे पास 6yz, साइन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाला नंबर ज्यादा है, प्लस वाले नंबर में से हमने ये माइनस कर दिया और 5 में 2 ऐड कर दी तो 7xy। सेम डी वाला करेंगे, 7m2 एड 9n2। यहाँ साइन किसका है, नेगेटिव 4m2 और नेगेटिव 2n2। देखो चाहे बेशक ऐड करना है बट यहाँ साइन नेगेटिव का है, तो ऐड के साइन के बाद भी अगर नेगेटिव साइन होता तो हमारा नेगेटिव ही आता है ना, तो इसीलिए हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 2 जाने के बाद हमारे पास 7 बचा, 7n2। ये किसका है, नेगेटिव था या पॉजिटिव, 9 बड़ा है ना, 9 का था वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। अभी 7 में से 4 गया तो 3m2। ये में इसको है ना अरेंज कर लेते हैं वर्टिकली। पहले सबसे पहले 11x ही लिख लिया, नेगेटिव 6y, फिर उसके बाद 4x + 5y और लास्ट में क्या है, 7x - 2y। अब इनको ऐड कर देंगे। या हम एक काम और कर सकते हैं कि जो ये पॉजिटिव वाला है ना, ये सबसे ऊपर रख लेते हैं, 4x + 5y या 11x - 6y 7x - 2y। अभी ऐड कर देते हैं, करने पे तो देखो दोनों पे सेम आएगा, बट यहाँ क्या है कि नेगेटिव साइन एक साथ हो गए ना, तो हम इजीली इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 6 और 2 कितना होता है, 8। नेगेटिव 8 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 बड़ा है ना 5 से, तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव 3y। अभी इनको ऐड कर लेते हैं, 4 1 5 और 5 4 7 12, 1 कैरी गया, 2 x का x।
अगर इसको भी करेंगे तो आना तो खैर वही है, जैसे यहाँ नेगेटिव 6 बढ़ा है 5 से, तो हमारे पास क्या बचा, नेगेटिव 1, और नेगेटिव 1 में जब नेगेटिव 2 ऐड किया तो नेगेटिव 3, और इसमें फिर वैसे ही 22x आएगा। अच्छा ये वाला करते हैं, इसमें क्या है तीन टर्म्स दी हुई है, स्टार्टिंग से ही रख लेते हैं, 2x to the power 2, 6x, 9 -9, -5x to the power 2 plus 7x -1, लास्ट में 6 to the power 2 13x और पॉजिटिव 21 ऐड करना है। -1 और -9 दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, -10 हो गया, -10 और 22, जो 10 आए थे वो हमारे नेगेटिव आए थे और ये हमारा पॉजिटिव है, बड़ा क्या है हमारा पॉजिटिव साइन बड़ा है, तो 21 में से हम 10 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 11, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमने लगा दिया, ये ऐड कर लेंगे 6 और 7 13 और 13 और 13 26x। अभी क्या करेंगे, देखो ये 5 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -3 आया, -3 को अब सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 में से तो हमारे पास क्या आया पॉजिटिव 3x to the power 2, जी वाला मैंने अरेंज ही कर दिया जैसे जैसे नंबर दिए हुए थे, जिसकी पावर a to the power 2 थी उसको एक साथ रख लिया, और जिसमें ए बी था वो ए बी वाला उसके नीचे रख लिया, जहां b2 था वो ऐसे b to the power 2 रख लिया। अब क्या करेंगे, 7 और 3 10 हो गए ऐड करने के बाद, अभी -2 हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या रह गया 8b to the power 2, 6 में से पहले तो सब्ट्रैक्ट किया हमने 2 तो कितना रह गया 4, और अब फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1, यहाँ क्या है इसकी इसका न्यूमेरिकल कोफिशियंट 1, तो हमारे पास क्या रह गया 3ab। अभी इसके बाद यहाँ पे देखो 5 और 6 हो गई 11, 11 में से हमने माइनस कर देना है 4 तो हमारे पास रह गया 7a to the power 2। क्वेश्चन 4 में क्या है, एड द फॉलोइंग विदाउट राइटिंग इन कॉलम, जैसे हमने कॉलम में लिखा था अभी बिना कॉलम के हमें ऐड करना है, तो हम ऐड करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास ले आते हैं, जैसे 2a की लाइक टर्म क्या है नेगेटिव a, और -4b की लाइक टर्म क्या है 7b, और 3c की लाइक टर्म क्या है -c, तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास ले आते हैं, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही आएगा, फिर अभी क्या -4b के पास क्या लाएंगे हम पॉजिटिव 7b, और 3c के पास -c। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 में से यहाँ 1 होता है ना, अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 1 गया तो 1 बचता है, तो हम a लिखेंगे, बस 1 नहीं लिखेंगे, a लिखा हमने, ये -4 जो है छोटा है पॉजिटिव 7 से, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 3b, और 3c में से 1c हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आया 2c। 4m के पास हम क्या लेके आएंगे 3m, -5n के पास क्या आएगा पॉजिटिव 3n, और 3p के पास क्या आएगा -2p। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 में से 3 गया तो 1 रह गया, तो हम m लिखते हैं, 5 बड़ा है इससे 3 से तो क्या आएगा -2n, 3 में से 2 गया तो 1, इसलिए रह गया ओनली p,
थ्री ए सी, फिर ले आए यहाँ पे ए सी, फाइव बी टू द पावर टू, ये वाला आ जाएगा बी टू द पावर टू, थ्री में से वन गया तो टू ए सी बच गया हमारे पास, और यहाँ फाइव में हमें क्या ऐड करना है वन, तो सिक्स बी टू द पावर टू। क्वेश्चन डी देखते हैं, क्वेश्चन डी में क्या करना है, फिर वही करना है हमें, लाइक टर्म्स को एक साथ ले आएंगे, प्लस का साइन है ना, टू ए नेगेटिव बी प्लस फोर बी नेगेटिव सी प्लस फोर सी प्लस वन नेगेटिव एट, फोर और टू सिक्स है, सिक्स है, फोर में से हमने वन माइनस किया तो हमारे पास आया पॉजिटिव थ्री बी, नेगेटिव सी में से जब नेगेटिव नहीं फोर सी में से जब नेगेटिव सी सब्ट्रैक्ट किया तो थ्री सी, और यहाँ नेगेटिव सेवन। फाइव एक्स की टू द पावर टू के पास क्या आएगा थ्री एक्स टू द पावर टू, फिर आएगा एट एक्स, एट एक्स के साथ आएगा नेगेटिव फोर एक्स, नेगेटिव फोर प्लस इलेवन, सोल्व करेंगे फाइव और थ्री एट, एक्स की पावर टू, यहाँ हमारे पास बचा फोर एक्स, और यहाँ हमारे पास बच गया सेवन। सेवन एम के साथ क्या लिखेंगे, ये एम है या एन है, ये एन है, तो हम क्या लिखेंगे थ्री एम, यहाँ फिर एट एन के साथ क्या लिखेंगे नाइन एन, और नेगेटिव थ्री एम एन के साथ सेवन एम एन। अब इसको सोल्व कर लेंगे फोर एम, ये एम है ना, फोर एम, यहाँ सेवनटीन एन, और यहाँ बचा हमारा फोर एम एन, ये नेगेटिव था या पॉजिटिव था तो सब्ट्रैक्ट हो गया। क्वेश्चन फाइव में हमें सिंप्लीफाई करना है फोर्टीन एक्स टू द पावर टू, अभी ये देखते हैं एक्स टू द पावर टू किसकी है, ये वाला नंबर के, तो इसको साथ में रखते हैं बस, एक्स टू द पावर टू, नेगेटिव टू एक्स वाई, अभी देखिए नेगेटिव टू एक्स वाई किसके पास है, सॉरी एक्स वाई किसके पास है, इस वाले के पास एक्स वाई है, तो इसको रख देते हैं यहाँ, अब वाई टू ले लिया हमने, वाई टू यहाँ से लिया ना, तो अब वाई टू चेक करते हैं, यहाँ वाई टू है तो वाई टू ये ले लिया, ये हो गया यहाँ तक हो गया हमारा, अभी क्या रखना है फाइव, सॉरी एक वाई टू ये भी है, तो ये वाला वाई टू भी हमने ले लिया, उसके बाद रखेंगे फाइव और प्लस सेवन, इनको ऐड करेंगे फिफ्टीन एक्स टू द पावर टू, यहाँ कितना बच गया थ्री एक्स वाई, और ये वाई वाई में से नेगेटिव टू में से वाई गया तो नेगेटिव वन, और थ्री में से नेगेटिव वन हम माइनस करेंगे तो टू वाई हमारे पास बच गया, टू वाई टू द पावर टू, या ऐसे कर लो थ्री में वन ऐड किया फोर और इसमें से टू माइनस कर दिया तो हमारे पास टू बचा, टू वाई टू द पावर टू हो गया। अभी ये क्या हुआ, इनको ऐड कर लो, हमारे पास आया ट्वेल्व, भी हमारे पास ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने ये वाई वगैरह रख लेते हैं, नंबर्स को हम लास्ट में रखते हैं, वाई थ्री, वाई थ्री और कहाँ है, नेगेटिव है ये, वाई थ्री ये है टू वाई टू द पावर थ्री, और वाई टू द पावर थ्री यहाँ है थ्री वाई टू द पावर थ्री। अभी उसके बाद हम रख लेते हैं वाई टू द पावर टू रख लेते हैं, नाइन वाई टू द पावर टू प्लस वाई टू द पावर टू
और नेगेटिव 2y टू द पावर 2। अब y रख लेते हैं, जितने भी y हैं, y ये हो गया, ये हो गया 5y नेगेटिव 19y। लास्ट हमारे नंबर्स रह गए तो प्लस 7 प्लस 6 और प्लस 15। अब इनको सिंप्लीफाई और कर देते हैं, 2 और 3 कितना हो गया 5, और 5 में से 1 गया तो 4 हमारे पास बचा, 4y टू द पावर 3। अभी 9 और 1 10, 10 में से 2 गए तो 8, 8y टू द पावर 2। 1 और 5 6, 6 माइनस करेंगे फिर 19 में से तो आएगा नेगेटिव 13y, और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 और 6 13 और 13 और 15 28।